हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लेज जेल इफेक्ट हार्ट शेप केक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं केक बेस जो गोल्डन वाला है ये रख दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं आइसिंग क्रीम लगाऊँगी। मैंने ट्रोपोलाइट का आइसिंग क्रीम यूज़ किया है। इसे अच्छे से मैंने बीट कर लिया है कंप्लीटली थिक होते तक। और अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर अपनी केक की यहाँ रख दूँगी। अब इसमें मैं वाटर स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप वाटर, शुगर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये इवनली सभी तरफ हमें स्प्रेड करना है वाटर को इस टाइप से। आप इसके लिए स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इवनली सभी तरफ स्प्रेड होना चाहिए। अब यहाँ मैंने आइसिंग क्रीम में गनाश डाला है। गनाश बनाने के लिए हमें हाफ कप अमूल क्रीम नॉर्मल टेम्परेचर पे और हाफ कप डार्क कंपाउंड लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है और उसे 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करना है। और इसे आपको अपनी विप क्रीम में ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेयर को पूरे तरीके से हम इस टाइप से, आप अच्छे से गनाश डालने के बाद मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो गनाश सारे क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मैं फर्स्ट लेयर कवर कर रही हूँ गनाश आइसिंग क्रीम से। इसमें मैं गनाश डाल रही हूँ। अब मुझे थोड़ा और बनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी लेयर्स में भी मुझे डालना है, तो मैं थोड़ा और गनाश प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं चॉको चिप्स ऐड कर रही हूँ। चॉको चिप्स हम सारे तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब नेक्स्ट लेयर हम यहाँ पे रखेंगे। ये आप ध्यान दें कि आप बिल्कुल जो लेयर है एक के ऊपर एक बराबर से रखें, तभी आपका जो है केक का हार्ट शेप परफेक्ट आएगा। अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो वो आपका शेप उतना परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से उसे रखें क्योंकि एक बार रखने के बाद उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रखते टाइम आप ये ध्यान दें कि एक के ऊपर एक पैरेलल रखना है। अब इसमें मैंने पानी स्प्रेड करना है। सभी तरफ हम पानी स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें मैं क्रीम डालूंगी और उसे स्प्रेड करूंगी। स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसमें क्रीम डाल दिया और पैलेट नाइफ से मैं इसे इस टाइप से स्प्रेड कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है केक में, इसलिए मैं यहाँ कम क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी वाला पसंद है तो आप ज़्यादा क्रीम ऐड कर सकते हैं।
मैं यहाँ अपना एनिवर्सरी का केक बना रही हूँ। आप स्टार्टिंग में जब न्यू न्यू हैं, केक न्यू बेकर हैं, तब आप स्पैचुला जो है, पैलेट नाइफ जो है, स्मॉल वाला ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बड़े वाले को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आप स्टार्टिंग में स्मॉल पैलेट नाइफ ही लीजिए। तो इस टाइप से मैंने सभी तरफ इसे स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें गनाश ऐड कर रही हूँ। गनाश हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब मैं इसमें चॉको चिप्स और कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल डालूंगी। ये चॉको चिप्स मैं चारों तरफ डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा चॉको चिप्स पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेयर मैं डाल रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाला मेरा लेयर है, ये थोड़ा ऊपर की ओर से हार्ड है, तो इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा यानी शेप जो है आपका ऊपर से जैसा आता है वैसा अच्छा है। तो फिर मैं उसको सबसे टॉप में ही रख रही हूँ। इसके लिए मैंने उसमें वाटर स्प्रेड उल्टा करके हाथ में रख के उसमें वाटर स्प्रेड कर दिया है ऑपोजिट साइड, क्योंकि जब आप इसको टॉप में रखेंगे और इसके ऊपर आप पानी स्प्रेड करेंगे तो वो नीचे आने लगता है। इसलिए आप पहले उल्टा करके उसमें स्प्रेड कर लीजिए हल्के हाथ से, बिल्कुल आराम से उसके ऊपर आप इवनली पैरेललली उस पर रख दीजिए टॉप लेयर। और उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट क्रीम ले रही हूँ, यानी जो विप क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, ये गनाश वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, वाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्लेज वाले इफेक्ट करने वाली हूँ इसमें। तो उसके लिए मुझे वाइट आउटर लेयर वाइट चाहिए, लेकिन अंदर मुझे चॉकलेटी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने गनाश उसमें ऐड किया था। यहाँ पे मैं पूरा वाइट करना है हार्ड, तो इसको मैं पूरी तरीके से कवर कर लूँगी। साइड साइड से पूरा कवर करना है, टॉप में पूरा कवर करना है अच्छे से। टाइप से आप टर्न टेबल को रोटेट करते जाइए और कवर करते जाइए। सभी तरफ आप इवनली स्प्रेड कर दीजिए कि आपका जो है सारे लेयर पूरी तरीके से कवर हो जाए सभी तरफ से। टॉप लेयर जब हम ऊपर से कवर करते हैं पूरा, तो हमारे क्रीम थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब बाकी लेयर्स आप कर रहे हैं तो थोड़ा क्रीम आप वाइट वाला निकाल लीजिए और उसे फ्रिज में डाल दीजिए। मैंने वैसे ही किया था, जिसमें मैंने गनाश ऐड किया था इकट्ठा, मैंने पहले उसे बीट किया था और आधा क्रीम जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था, और जिसमें मैंने गनाश ऐड किया था वो मैंने सिर्फ बाहर रखा था। तो इससे क्या होगा, आपका क्रीम चिल्ड रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि जो वाइट वाला है आप उसे फ्रिज में रख दें पहले ही थोड़ा निकाल के, और फिर जब आपको करना है तभी आप उसे निकालें। अब ये कवर हो गया है। अब यहाँ मैं इस टाइप से स्क्रैपर के हेल्प से इसे
शेप दूंगी, हार्ट शेप। तो हमें हार्ट शेप देना है, तो हार्ट शेप बनाते हुए हमें इसे इस टाइप से फ्लैट करना है क्रीम को, जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ हमें करना है, क्योंकि हम इसमें गनाश जो है इसमें हम ग्लेज जेल इफेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें जितना स्मूथ आपका रहेगा उतना ही लुक अच्छा आएगा। ये एक्स्ट्रा जो है नीचे का वो आप इस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। इसे आप बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट हैंड से जस्ट हमें टच करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल जो होती है, पतली वाली फाइल जो होती है, लूज़ फाइल, उसका मैंने ये एक रेक्टेंगल शेप का कट किया था, उससे मैं यहाँ पे अब डोम शेप दे रही हूँ, क्योंकि हार्ड हार्ड शेप है और उसमें अगर आप डोम शेप कर देते हैं तो आपका बहुत अच्छा 3D इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हमें जस्ट फाइल को इस टाइप से फोल्ड करना है और घुमाते जाना है हार्ड शेप बनाते हुए। ये देख रहे हैं आप, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सभी तरफ हमें करना है। कॉर्नर्स में ही हमें फोकस करना है, क्योंकि कॉर्नर्स का जो है वो शेप हमारा अगर परफेक्टली आता है तो फिर हमारा जो है हार्ड शेप परफेक्ट दिखेगा। इसमें अगर करते हुए कहीं कहीं से अगर क्रीम निकल रही है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसी की हेल्प से। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे डोम शेप दिया है, आप देख सकते हैं। फाइल जो लूज़ फाइल होती है बिल्कुल पतली सी, वो हमको लेना है और प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, हल्का सा हमें जस्ट टच करना है और हमारा जो टर्न टेबल है उसे रोटेट करना है। ये अब जो ऊपर का है उसे मैं स्मूथ कर दूंगी। इस टाइप से हार्ड शेप करते हुए इसे स्मूथ कर दीजिए सारा यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया है, कहीं पे भी हमारा नहीं दिख रहा है बिल्कुल। अब मैं इसे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मैंने 30 मिनट्स रखा था, तो 30 मिनट्स में पूरा कम्प्लीटली सेट हो जाता है, क्योंकि हमारा 1 kg का ज़्यादा बड़ा है केक, उसे आप अगर टाइम है तो 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। तो आफ्टर सेट होने के बाद मैंने इसे निकाला है और यहाँ मैंने 1/2 कप ग्लेज जेल, न्यूट्रल जेल जैसे बोलते हैं, वो मैंने लिया है और इसमें मैंने पानी ऐड किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 स्पून आपका जाएगा पानी, आप देखें कितना पानी उसमें जा रहा है। कुछ कुछ जो न्यूट्रल जेल होते हैं जो ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो आप ये देख लो कि उसमें कितना पानी जाएगा कि अपना जो कंसिस्टेंसी है न्यूट्रल जेल का फ्लोइंग आ जाए। और यहाँ मैंने लिक्विड कलर ऐड किया है, एक ढक्कन मैंने लिया है, 1 TSP, आप 1 TSP, 1/2 TSP आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। ग्लिटर मैंने 1/2 TSP डाल दिया है, 1 TSP आपका जो है रेड रेड कलर लिक्विड फूड कलर जाएगा, से आपका जो कलर है बिल्कुल हार्ड शेप का बिल्कुल जो है उभर के आएगा। आप जेल कलर यहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर फैलता नहीं है अच्छे से, इसलिए आप लिक्विड कलर ही इसमें यूज़ करें ग्लेज जेल के लिए, जेल इफेक्ट के लिए। अब इस टाइप से सभी तरफ मैंने पाइपिंग बैग में इसमें डाल दिया है ये न्यूट्रल जेल को कलर करने के बाद, उसमें कलर ऐड करने के बाद, और अब इसे मैं चारों तरफ हार्ट में स्प्रेड कर रही हूँ पाइपिंग बैग की हेल्प से। अभी सारा जितना रिक्वायर्ड था मैंने डाल दिया है, अब फिर से हम फाइल वाला जो था वो लेंगे और उसे इस टाइप से हम स्प्रेड करेंगे। इसे जस्ट हमें टच करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, जस्ट टच करना है।
फाइल का ये जो है रेक्टेंगल शेप का, इसे जस्ट टच करना है और आपका जो टर्न टेबल है उसे रोटेट करना है। जहाँ पे इवनली स्प्रेड नहीं हुआ है वहाँ आप थोड़ा सा इस टाइप से कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे आप नीचे से जो एक्स्ट्रा है उसे उठा के ऐसे डाल दीजिए और उसे स्प्रेड कर दीजिए। ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, लाइटली करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।